पहले मुझे आप बताओ कि आप इस सभ्यता को जानते हो क्या? सभ्यता क्या होती है? सभ्यता क्या है? चलो सभ्यता को आपने इसे तोड़ दिया, अब हो गया सभ्य। सभ्य सभ्य क्या होता है बताओ? सभ्य क्या होता है? एक नाम आता है सभ्य और एक आता है संस्कार, संस्कृति। ज्यादातर ये दोनों नाम एक ही जगह काम में लिए जाते हैं, एक स्थान पर आते हैं, ये उसकी सभ्यता और संस्कृति बोलते हैं। आप बताओ कॉमन सेंस के आधार पर सभ्यता और संस्कृति क्या होती है? इस सिंधु को छोड़ दो अभी, ये सिंधु क्या है ये भूल जाओ आप। चलो मैंने मिटा दिया, अब बताओ सभ्यता और संस्कृति क्या होती है? आपने पढ़ा है कभी? कभी तो पढ़ा है ना सभ्यता और संस्कृति। भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में विस्तार से बताइए। आप बारहवीं में पढ़ के आ रहे हो तो आपने सभ्यता और संस्कृति का नाम कभी तो सुना होगा। संस्कृति उपसर्ग कृ धातु से बनकर मिली बनी है संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति क्या है आप बताओ? लोकेश शहबाज बताओ सभ्यता और संस्कृति क्या है? तो फिर आपने पढ़ा है क्या? पढ़ा आपने? मैंने बोल दिया सभ्यता का क्या है, इसका उपसर्ग पटके को हटा दिया और बचा सभ्य। अब क्या करना सभ्य उसका आचरण, लेकिन जब इस सभ्य के ता पटके लगता है तो किसी क्षेत्र या किसी देश की सभ्यता और संस्कृति में यह अंतर होता है। सभ्यता तो आती है उसके बौद्धिक स्वरूप से, बौद्धिक स्वरूप क्या है उसके जो निर्माण कार्य उसके क्षेत्र विशेष की विशेषताएं वो होती है बौद्धिक स्वरूप। इसका आता है मानसिक स्वरूप। व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति का आचरण कैसा है वो होती है संस्कृति। भौतिक स्वरूप उसकी बनाई हुई चीजें, उसकी काम में लेने वाली चीजें, उसके रहन सहन यानी रहने का जो तरीका वो होती है भौतिक स्वरूप में, और ये होती है मानसिक स्वरूप में संस्कृति। ये इतना तो पता होना चाहिए आपको। आप बारहवीं क्लास पढ़ के आए हो और आपको अभी तक यही पता नहीं कि हमने तो सभ्यता और संस्कृति का नाम ही नहीं सुना, तो फिर आपने सुना क्या है? आपने क्यों नहीं सुना ये संस्कृति और सभ्यता? क्योंकि आजकल का युवा रामायण महाभारत या तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या धार्मिक चैनल देखना बंद कर दिया। आपने क्या देखना चालू कर दिया? सोशल मीडिया पर आप जुड़े हुए हो और ये इंस्टाग्राम ने आपको आपकी दिमाग की आदत से आपको बेहतर कर दिया, दिमाग से बेहतर कर दिया। हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। सिंधु नाम क्या है? सिंधु नदी का नाम है। भारत में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु। उस नदी के आसपास जो एक सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। लोगों के निर्माण कार्य वहां पर हमें मिले, जो खंडहर हो चुके हैं, लोगों के रहन सहन के तरीके मिले, लोगों की काम में लेने काम में आने वाली जो चीजें मिली वो किस सभ्यता कहलाई? सिंधु सभ्यता कहलाई। इस सिंधु सभ्यता के कितने नाम है मैंने कल बताया था आपको, कौन बताएगा कि ये तीन नाम कौन कौन से हैं?
हड़प्पा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम कौन बताएगा? हाँ ममता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। एक और नाम कौन बताएगा? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। अब ये बताओ आप, ये नाम इसके क्यों रखे गए? हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्थल सबसे पहले खोजा गया। चलो, ये स्थल सबसे पहले खोजा गया। कब खोजा गया? 1821। लेकिन मेरे हिसाब से इसे 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी द्वारा। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज उत्खनन किया गया। इसका उत्खनन किया गया इस कारण से यह प्रथम स्थल है सिंधु सभ्यता का। तो जब हड़प्पा स्थल को उत्खनन किया गया तो तब लोगों ने सोचा कि इसका नाम हड़प्पा, क्योंकि एक स्थान पर यह सभ्यता है तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखे थे। और उधर भी सिंधु नदी के मार्ग, ये सिंधु नदी है तो इसके आसपास और अनेक स्थल मिले तो इसका नाम हो गया सिंधु घाटी। जो सिंधु नदी जिस घाटी में बैठी थी इसके इर्द गिर्द जो भी स्थल मिले इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। तीन नंबर कांस्य युगीन सभ्यता, वहां पर सबसे ज्यादा कांस्य से बने हुए हमें उपकरण या पद जो भी मिले हैं अवशेष मिले हैं इस कारण से कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। एक और इसको कहा जाता है प्रथम नगरीकरण सभ्यता। प्रथम नगरीकरण सभ्यता। अब बताओ ये प्रथम नगरीकरण सभ्यता क्या है? सबसे पहले नगरों का विकास यहीं को देखने मिलता है। मतलब जिस प्रकार वर्तमान में नगरों में जो विकास होता है, पक्की नालियां बननी होनी चाहिए, एक ग्रीड पद्धति में मकान बने होने चाहिए, सड़कें बनी होनी चाहिए, जैसे शहरों में होता है कूड़ेदान होने चाहिए, गंदे पानी की नालियां अलग, पानी को एकत्रित करने की व्यवस्था, इस कारण से प्रथम नगरीकरण सभ्यता कहा जाता है। ये तो गया इसके कुछ नाम। मैंने आपको कल वो बताया था, शायद आपको पूरा याद होगा। अरे याद है, सबको याद है। चलो बताओ कौन बताएगा? कौन बताएगा इस सभ्यता को सर्वप्रथम किसने, किसको पता चला कि यहाँ पर सभ्यता हो सकती है? लेकिन लोगों ने अलग अलग सन 1826 में एक अंग्रेज पर्यटक घूमने जाता है, नाम था उसका चार्ल्स मैनसन। उसने सर्वप्रथम इस सभ्यता के खंडहर देखे, लोगों को आके बताया कि वहां पर एक सभ्यता हो सके। लेकिन जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात का विश्वास कम करना चाहते हो, उसी प्रकार लोगों ने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। क्यों? तो भावड़ा बना था, क्योंकि रात में की है, भूत प्रेत देख लिए, तो उसमें बड़ा सभ्यता है, सभ्यता भी आ गई। लोगों को आज भी केवल भारत में वैदिक सभ्यता है, ईसा नाम प्राचीन सभ्यता केवल वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है इसका काल। लेकिन इसका काल माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से
1750 ईसा पूर्व। तो प्राचीन युग या युग कौन सी प्राचीन है? सिंधु सभ्यता। लेकिन लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। क्या करता? विश्वास नहीं किया तो चुप बैठ गया। फिर देखो आपने, मैंने आपको वो बताया था कल, अठारह सौ तिरपन और 1857 एक व्यक्ति इस क्षेत्र में आता है, इसका सर्वेक्षण करता है, क्योंकि इससे उसने बातें सुनी थी कि वहां पर एक सभ्यता हो सकती है। तो ये आता है सर्वेक्षण के लिए। नाम है उसका कनिंगम। कनिंगम थोड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था, गांव में एक कमजोर व्यक्ति का था, ज्ञान तो दो ही बने को लोग मनमाने इतने महंगे पाले। कनिंगम को जो परवरिया हो, कनिंगम सर्वेक्षण करे तो कनिंगम जो हाँ अच्छा पूछ सके, एक सभ्यता हो सके। हाँ, इनके बीच में एक 1856 में दो भाई आ गए, बर्टन बंधु। बर्टन बंधु साइज की लाहौर रेलवे लाइन को काम चालू हुई, वो ठेकोले मारे आप ठेकेदार बटे ईटा की जरूरत पड़ी, सारे ये टीलों पे टीला में ईटा बहुत बहुत वे काम ले मत आ गया। पहले भी सोचे को थोड़ी बहुत ईटा होनी, लेकिन बटे तो ईटा मिल जाए निकल पर आ गई। ईट जाओ मिल जाए ईटा से होते हैं कि आप कसम ले तो काम में ले ली या फिर टूट गई फूट गई। लेकिन मन को मन में ये आए कि अच्छा तीन चार की आए जना। 1861 ईस्वी में एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अब भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कार्य है? जैसे नाम आता है पुरातत्व, पुरानी चीजों को, पुरानी सभ्यताओं को खोजना। और इसके प्रथम निदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंगम। अब आपके एक सवाल तो ये हो गया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 में। इसके प्रथम निदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का पता किसने लगाया? 1826 में चार्ल्स मेनन ने। कनिंगम ने सिंधु सभ्यता या सिंधु स्थल का सर्वप्रथम सर्वेक्षण कब किया? 1853 में। दूसरी बार कब किया? 1857 में, जब लाहौर रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था। तब किन बंधुओं ने, दो भाइयों ने इस सभ्यता के बारे में बताया? दो है बर्टन बंधु। आगे समझ में, इसके तीन नाम है। एक सवाल आता है, प्रथम नगरीकरण सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये तीन नाम आपको सब लिख देना। आपके सवाल से होगा। एक मुझे ये बताइए, जो आपके पेपर आएगा एग्जाम का पेपर, वो किस प्रकार आएगा आपको पता है क्या? आज से हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके पिछले 4-5 सालों में जहां से पसंद ज्यादा आ रही, समझ रहे हैं? जहां से सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं वह पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आपके 23 और 19, एक पुस्तक में 23 पार्ट है और एक में 19 पार्ट है, टोटल आपके 42 यानी 42। लेकिन इनमें से लगभग 25 या 30 पार्ट ही उनमें से क्वेश्चन आते ज्यादा थे। अब क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं आपको पता है आपको? एग्जाम आने वाला है लगभग 3-4 महीनों में, कभी भी एग्जाम होगा।
किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे पता है आपको? एग्जाम का पैटर्न देखा आपने? एग्जाम का पैटर्न देखा है कि भाई क्या का सवाल है? गत्ता तो छोट क्या सवाल है, कत्ता वे अति लघुरात्मक सी, वो कत्ता निम्नात्मक सी, पता है कौन चकाई पे अपने किसिया पर ज्यादा जोर दे, वो किसिया पार्ट पर कम जोर दे, जी की खातर पत्तो लगा भाई खातर आप मन जगह पुराण क्या पेपर है ना पाँच चार साल मैं वे सवाल देखना जगह ज्यादातर उनसे प्रॉब्लम पूछे जी था सिंधु सभ्यता को एक क्वेश्चन जब वो बड़ो क्वेश्चन आ रहा वो एक क्वेश्चन पक्को है 20 नंबर का क्वेश्चन है। था देखो क्वेश्चन की आसी 10 क्वेश्चन तो आसी था दो दो नंबर का, 10 क्वेश्चन तो आसी था दो दो नंबर का, 20 नंबर का सवाल 10 क्वेश्चन एक अनिवार्य है कर वो अनिवार्य में वही कथान से करा वो जरूरी है लेकिन अम थाने अथवा के मान कोई क्वेश्चन को मिले केवल दस ही ऐसी आवश्यकता कर दो जरूरी ऐसी एक ये ऐसी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई कितना हमको 1861 और दो नंबर पक्के आपके पांच क्वेश्चन आएंगे चार चार नंबर के कम से कम 200 शब्दों में नहीं 100 या 100 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन आ जाएगा सिंधु सभ्यता के तीन नामों के बारे में बताइए। आपने पहले बता दिया सिंधु सभ्यता के तीन नाम है, ये नाम है, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते थे, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते थे, इसे नगरीय प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते थे, इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते थे। ये आपके आ गया चार नंबर के पांच क्वेश्चन, टोटल कितने होंगे 40। अब आपके छह क्वेश्चन और आएंगे, उनमें से तीन क्वेश्चन आपको करने हैं और वो आपके आएंगे 20-20 नंबर के, टोटल हो गए 100। आ गया समझ में? मतलब 10 क्वेश्चन 200 नंबर के, 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के और क्वेश्चन तो ये अच्छा आएंगे लेकिन इनमें से आपको कोई से भी तीन करने ये ऐसे भी आ सकते हैं 1-2-3 जैसे 15 तो ये होंगे 16-17-18-19-20 इनमें से आपको 16-17-18-19-20 इनमें से कोई से भी तीन करने या आपके ये इस तरह आ सकते हैं 16-17-18 और इसमें अथवा में दो दो क्वेश्चन आए इनमें से आपको इन दो में से ये करना इन दो में से ये करना इन में से ये करना और इस तरह आपके ये 100 नंबर का पेपर होगा कम से कम 33 नंबर लाना तो अनिवार्य है नहीं तो आपके अगर दो में 33-33 नहीं आए तो फिर आप वापस चला जाओगे वापस यही कमरा यही सिलेबस लेकिन मन नहीं करेगा कि ये तो पिछली बार ही पढ़ा था लेकिन याद अभी भी नहीं है तो उस टाइम भी नहीं सही दो तीन क्या होंगे बटे गुलाब जामुन बाहर तो खुरमाणी बच्चों की लागू लेकिन खुरमाणी की खातर का ये का अपन एक व्यायाम भर पेट जी में फिर दूसरा व्यायाम खुरमाणी का मजा होना चाहिए ठीक तो आपके ये आए ये पता होना चाहिए लेकिन आपको तो अभी तो ये भी पता नहीं बताओ क्या पता है मैंने पहले भी बोला कि आपका ज्ञान बहुत है कूट कूट के ज्ञान भरा है और उसका आपने को गमन नहीं है लेकिन समस्या ये है कि आपके उस ज्ञान पर एक अज्ञान की परत चली हुई है उस परत को आपको हटाना होगा उस परत को हटाना होगा लेकिन आप हटाने की कोशिश नहीं करेंगे जैसे लोकेशन उसका ध्यान नहीं है क्लास में लेकिन आपको मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से आपको कक्षा में उपस्थित रहना पड़ेगा लेकिन नहीं रहते हो पहले क्योंकि मेरे माँ बाप की और सुना माँ सुना लेकिन सुनना पड़ सकता अपने भविष्य के लिए आपको सुनना पड़ेगा जैसे 26 जनवरी आई थी तो एक बुजुर्ग आदमी ने क्या कहा था पता है आपको क्या बोला था उन्होंने
कि आपको अपने इन टीचरों की सुननी पड़ेगी, यही आज से आपके माँ बाप है। ठीक है, अब आज से सब सुनेंगे मेरे हिसाब से। अब देखो, कल आपको इतना बता दिया था, 1861 तक हमने पढ़ लिया था कि कन्हैया पर तुम नहीं दे सकते, या उनकी अध्यक्षता में वासुपुरा तत्व विभाग की स्थापना की गई। धीरे धीरे इसके और इस पर सर्वेक्षण या अनुसंधान करने के लिए सन 1904 में उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे ने वायस राय, गवर्नर जनरल को वायस राय कहते थे, वो नाम था कर्जन। अब ये कर्जन नाम सुना क्या आपने, कौन था कर्जन? वो कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। इस कर्जन ने 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग के एक नए निदेशक नियुक्त किए, वो नाम था जॉन मार्शल। 1904 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन कौन से, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। उन्होंने 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग के नए निदेशक नियुक्त किया, नाम था जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल को कहा कि आप उस स्थान की खुदाई कीजिए, उत्खनन कीजिए। जॉन मार्शल ने एक व्यक्ति थे, नाम था दयाराम सहानी को बोला कि चलो करते हैं खुदाई। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के सदस्य थे, इनको बोला कि चलो आप करो खुदाई। और 1921 में दयाराम सहानी ने सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई की, उत्खनन किया। 1921 में जॉन मार्शल के आदेश अनुसार दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया, और उसने सोचा कि केवल इतना ही है, हड़प्पा है ना। वो अभी हड़प्पा कहाँ पर है, क्या ये भारत में है? पाकिस्तान में कहाँ पे है? बलूचिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान। हड़प्पा पाकिस्तान का एक पहले जिला था मोस्ट गोमेगी, और वर्तमान में इस जिले का नाम है साहिवाल जिला। वर्तमान में उस जिले में हड़प्पा स्थान है। ये साहिवाल नाम आपने सुना है कभी? साहिवाल नाम कब हमारे कहाँ काम में लिया जाता है? साहिवाल, देखो साहिवाल, गिर, थार, बारकर, नागौरी, ये क्या नाम है? गाय की नस्लें हैं। नागौरी गाय की नस्ल नहीं, नागौरी नस्ल के भेद पसी है। ये साहिवाल नाम वही है, गाय की नस्ल है, हल्के पीले कलर की होती है गाय, और दूध कम से कम 8 से 10 लीटर देती है। 8 से 10 लीटर दूध देती है, देसी नस्ल है। और जो ये एक नाम बोलते हैं ना थार पारकर, ये भी एक गाय की नस्ल है, काफी महंगी गाय आती है, 7,000 से 1,50,000 तक की गाय है। सर दूध का कलर क्या है? ये गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है, लेकिन इसका घी जैसे हमारे भी गायों का घी 700 या 800 में बिक रहा है ना, इसका घी 1500 के आसपास बिकता है। लेकिन रुपये भी कितने लगते हैं, 1,50,000 रुपये लगते हैं। अपना 15,000 गायों में ना जीत जाएगा।
क्योंकि गाय एक बार बहुत ट्रिप है ऊपर थुई जाना थे गाय का थुई यानी का जो कि बेटे नाड़ कर रखे हैं ना बाप इनका अमर किया है बाप डिजाइन में और तुम पर दौड़े से वहीं है जाता है वाल का डिजाइन भी सामने गाय की नस्ल है तो हड़प्पा स्थान मोंटगोमेरी जो प्राचीन जी पुराना जिला था पाकिस्तान का वर्तमान में साहिवाल इसके नदी पर की है और नाम है रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। बाएं किनारे पर स्थित है हड़प्पा जिसका सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। अब कल कितना लिखा दिया था आपको मैंने उससे आगे लिखिए से कहीं कम थे वहां तक कहीं कम तक लिख दिया आपने लिखो आगे टाइम कितना हुआ है 12:18 चलो लिख लो जल्दी से दो मिनट जिसके प्रथम निदेशक कलिंगम थे। अब लिखो सन 1904 में नया टेलीग्राफ लिखना है सन 1904 में सन 1904 में भारत के वायसराय सन 1904 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग भारतीय पुरातत्व विभाग के नए निदेशक को नियुक्त किया भारतीय पुरातत्व विभाग के नए निदेशक को नियुक्त किया और उनका नाम था जॉन मार्शल और उनका नाम था जॉन मार्शल उनको आदेश दिया कि जॉन मार्शल उनको आदेश दिया कि आप इस सिंधु स्थल का उत्खनन करो इस सिंधु स्थल का या सिंधु सभ्यता का उत्खनन करो उत्खनन मतलब खुदाई करना जॉन मार्शल के आदेशानुसार हाँ ये लिख लो जॉन मार्शल के आदेशानुसार जॉन मार्शल के आदेशानुसार दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने सन 1921 में सन 1921 में सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा का सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा का उत्खनन किया उत्खनन किया हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले जिसका वर्तमान नाम साहिवाल जिला है उसमें बहने वाली नदी रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है बहने वाली नदी रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है
नया पैराग्राफ देखो। अब देखो ये हड़प्पा इतना ही नहीं है, हड़प्पा की विशेषता है, हड़प्पा में क्या क्या मिला है वो हम जब इस सिंधु सभ्यता के स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उसमें लिखा देंगे। दूसरा पैराग्राफ देखो, सन 1922 में राखन दास बनर्जी के द्वारा पाकिस्तान के लड़काना जिले में सतलज नदी के दाएं किनारे पर स्थित मोहन जो द्रो नामक स्थल की खुदाई की। तो ये है हमारे सिंधु सभ्यता की नॉर्मल जानकारी, और इस प्रकार आज का ही हमारा इतना टॉपिक है। कल इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बताना, और आपको वैसे बोल ही दिया है कि किसी भी वक्त किसी भी दिन आपका टेस्ट लिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।